कल संसद सत्र के पहले दिन फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन ने लोकसभा में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नशाखोरी के खिलाफ अपनी बात कही थी। आज जया बच्चन ने राज्यसभा में आपत्ति जताते हुए कहा कि कुछ लोग मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। रवि किशन हमारे साथ हैं। सर, आप पर जया बच्चन जी ने ये आरोप लगाया कि आपने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें आप लोग खाते हैं, एक तरीके से बिना नाम लिए कहा कि खाने वाली थाली में छेद करने की बात की उन्होंने। मैं बहुत शॉक्ड, एबीपी न्यूज़ के मैं सभी दर्शकों को कहूँ मैं बहुत शॉक्ड हूँ। जया जी हमारी सीनियर है, मैं उनके सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में पैर छूता हूँ। परिवा अमित जी के साथ हमने काम किया, अभिषेक बच्चन जी के साथ, ऐश्वर्या जी के साथ, रावण फिल्म की एक इतिहास रहा, वो परिवार हमको बड़ा सम्मान करता। जया जी ने मेरा कल व्यक्तित्व सुना ही नहीं, मैंने क्या कहा। जया जी मैं आपको एबीपी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में ये ड्रग कार्टल जो घुसा है, जो लोग पेडलर्स घुसे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के हमारे बच्चों को, हमारे एक्टर्स को बर्बाद कर रहे हैं, जो अंदर एक बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ धंधा कर रहे हैं, उन नेक्सस को उनकी कमर तोड़नी है। और ये काम है आपका भी हमारा, मुझे लगा आप मेरा साथ देंगी, आप सीनियर हैं, आप मेरा इसमें समर्थन देंगी कि रवि सही कह रहा है, आप हमारी सीनियर हैं जया जी, आप हमारी इंडस्ट्री की सीनियर हैं। आई वॉज वेटिंग कि दैट यू विल सपोर्ट मी, बट आपका ये शब्द उनको बहुत बहुत हर्ट हुआ मैं, कि आपने कहा जिस थाली में खाते हैं। तो जया जी मैं किसी थाली में, मुझे कोई थाली पहली बात तो मिली नहीं। मेरा इतिहास पढ़े, भोजपुरी इंडस्ट्री बंद थी, उसको शुरू करने वाला व्यक्ति मैं रहा, मैंने स्वयं को स्वयंभू मैंने खुद को ब्रेक दिया, ना मुझे कोई थाली मिली, ना कोई गॉडफादर मिला, ना मेरी कभी किसी ने मदद की, ना किसी ने मुझे ब्रेक दिया, ना कभी किसी ने मुझे उठाया, हम स्वयं चले, देश ने उठाया, मेरे समाज ने उठाया, मेरे फैंस ने उठाया और रवि किशन एक सुपरस्टार बनाया, मुझे किसी ने नहीं बनाया। जया जी पहली बात तो आप ये मेरे बारे में जान लें, हमने दिन रात मेहनत की, तब मैं 650 फिल्म करके रवि किशन बनाया, तभी हम बोले ना जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, मैं वही रवि किशन हूँ। जया जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज वेटिंग कि आप मेरा समर्थन करेंगे। जया जी देखिए आपको एक बात बता देंगे, इस इंडस्ट्री में आप भी जान ले जाए जी, बहुत सारे आप लोगों के ज़माने में नहीं था, अभी बहुत सारे लोग पेडलर्स के रूप में घुसे हैं, जो एक बहुत करोड़ों हज़ारों करोड़ों का बिजनेस करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हम लोगों को संभाला हुआ क्योंकि हम लोगों को लोग एक बहुत ऊंचाई पर देखते हैं, हम लोग रोल मॉडल हैं। हमारी जंकल मेरे बच्चे भी आना चाहेंगे इंडस्ट्री में, आपके परिवार से भी बच्चे आएंगे, तो क्या हम लोग उनको एक साफ़ सुथरा माहौल ना दें। ये देश, यशस्वी प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि देश की सारी गंदगी साफ़ हो, 2014 से वो सफाई कर रहे हैं, वो हर तरीके से सफाई इस देश में हो रही, गलत विचारधाराओं की, गंदगियों की। मेरे देश को 65% युवा वर्ग है, पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा, मैं उनको खोखला होने नहीं दूंगा जया जी, दैट इज़ फॉर श्योर। भले मेरी जान चले जाए, भले लोग मेरे पे अटैक करें, भले ये ड्रग माफिया मेरे पीछे पड़ जाएं, आई डोंट केयर जया जी, बट यू हैव टू सपोर्ट मी। मैं चाहूँगा, क्योंकि मेरी पूरी इंडस्ट्री गंदी नहीं है, मेरे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, हमने सबके साथ काम किया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ चुनिंदा लोग के द्वारा भी ना फैल जाए, एक बहाना ना मिल जाए कि ये ड्रग्स लेके अच्छी एक्टिंग होती है, ये ड्रग्स लेके ही अच्छी फिटनेस होती है, ड्रग्स लेके आप शून्य में जाके और एक बढ़िया एक्टिंग कर सकते हैं। ये जो गलत भावना के साथ ड्रग्स को अंदर पिरोया गया है पड़ोसी मुल्क के द्वारा, ये बहुत सारे, क्योंकि लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, हम लोगों सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री पूरे विश्व की है, इसको कौन खोखला करना चाह रहा है। जया जी ये आपके पास भी प्रश्न होना चाहिए, ये आपको भी चिंता का विषय होना चाहिए कि ये बात अगर निकली है तो क्यों निकली है। भाई धुआं ऐसे नहीं होता, कहीं तो आग होती है, और कोई तो बोले, कहीं तो इस मामले को रुका, कहीं तो लगे ये ड्रग्स ही। आप सब लोगों के ज़माने में कोई सेवन गलत नहीं करता था, आप भी जानते हैं, मेरे ज़माने में कोई नहीं करता था, अक्षय कुमार हम लोग सेम लॉट एक ही समय आए थे, सब लोग हम हेल्थ फ्रीक रहे, हमने किसी गंदी चीज़ का सहारा नहीं लिया पार्टी में, हम लोगों को इसको रोकना होगा। जया जी आप मेरी सीनियर हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन मैं मेरे देश के युवाओं को, फिल्म इंडस्ट्री के युवाओं को, यूथ को, मेरे आने वाली जनरेशन को खोखला होने नहीं दूंगा इस भारत में, दैट इज़ फॉर श्योर। जया बच्चन कुछ खुद भी उन्होंने कहा कि हम थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ अपने इंडस्ट्री को लेके, और जो लोग गटर कह रहे हैं मैं उनके खिलाफ। मैंने गटर आज तक नहीं कहा जया जी, मैं इस इंडस्ट्री की बड़ी इज्जत करता हूँ, इस इंडस्ट्री ने मुझे सम्मान बहुत दिया, इस इंडस्ट्री में मेरे बहुत काम हैं जो याद किए जाते हैं,
मैं बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं तेलुगू में भी करता हूँ, तमिल में भी करता हूँ, कन्नड़ा में भी करता हूँ, भोजपुरी हमारी खुद की इंडस्ट्री है, हिंदी में करता हूँ, रियलिटी शो में, हर जगह आपने हमको देखा है। जया जी, मैंने ये शब्दों का, और मैं मर जाऊँ कभी गलत शब्द अपनी फर्टिनिटी के, हाँ, लेकिन मेरे, मैं आपके एबीपी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री गंदी नहीं है, सब लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, ये एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है, ये गलत है कि इंडस्ट्री पूरी लिप्त है, नहीं, ड्रग्स बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री में लेते हैं, हमको पूरे देश में इसको रोकना होगा। वो चाइना द्वारा जैसे बायो वेपन करके कोरोना वायरस भेजा गया, इसी द्वारा ड्रग्स आता है, बड़ी खेप वहाँ से आती है, पाकिस्तान से बड़ी खेप आती है। तो हिंदुस्तान जो एशिया का सुपर पावर बनने जा रहा है, वेल प्लान्ड साजिश के साथ उसको ख़त्म करने की जो एक प्लानिंग है, मैं उसके खिलाफ कल सदन में आवाज़ उठाई और मैं आवाज़ उठाता रहूँ। लेकिन आप जानते होंगे, ज़्यादा परिचित है, सुशांत सिंह राजपूत के भी केस में जिस तरीके सामने आ रहा है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ये समस्या ज़्यादा है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री नहीं देखी, अभी बैंगलोर इंडस्ट्री में भी आपने देखा, कनाडा में भी एक एक्ट्रेस पकड़ी गई है, ये सब जगह है, ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं, ये हर इंडस्ट्री में है। मैं आज कहना चाह रहा हूँ, हम लोगों को बचना है, NCB इज डूइंग अ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट फैंटास्टिक जॉब, अब हम लोगों को ये हाई टाइम है, वेकअप कॉल है, अलर्ट होना है और सब पर नज़र रखनी है। इस कार्टल को, ये हजारों हजारों करोड़ का जो बिजनेस है, इसकी कमर तोड़नी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से सांसद रवि किशन जो बता रहे हैं कि न सिर्फ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां से ड्रग्स का जो रैकेट है उसको ख़त्म करना है, लेकिन निश्चित रूप से जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, जिस तरीके से एक के बाद एक सामने आ रहा है, वहां भी एक बड़ी हिस्सेदारी है इन लोगों की जो ड्रग्स का रैकेट चलाते हैं, उनको वहाँ से साफ़ करने की बात लोकसभा में उन्होंने कही थी, ये अपना जो मंशा है वो जाहिर की। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।